थैंक यू। बस सही है। क्या हो गया अम्मी, क्यों जरा जरा सी बात को दिल पे लगा लेती हैं आप? आपको पता है जब आप बीमार होते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता घर में। मुझे भी कुछ नहीं अच्छा लगता। मेरे दिल पर भी एक बोझ सा आ जाता है। कभी एक बहू रूठ कर चली जाती है तो कभी दूसरी। अम्मी मेरा ख्याल है इन ख्वातीन को ना इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ये नहीं ठीक हो सकती। सही कह रहा। अरे भाई तुम दोनों ही समझाओ अपनी माँ को, मेरी तो मानती नहीं है ये। जरबाब जी बेटा तुम किरण को वापस ले आओ। अच्छा ले आऊंगा, बाद जरा उसका दिमाग ठिकाने आ जाए फिर ले आऊंगा। नवीन बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। नहीं अम्मी, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही है? बात खत्म हो गई है वो। अल्लाह तुम्हारे भी नसीब खोले, मुझे यकीन है इस बात पर। तुम भी अपने घर की हो जाओगी ना, फिर मुझे सुकून आएगा। बस क्या हो गया अम्मी, नवीन की शादी इतनी जरूरी है क्या? हाँ बेटा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद अपने घरों की हो जाए। तब वो जाकर सुकून का सांस लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये बात बार बार नवीन के सामने कर रहे हैं, उसे बुरा लगेगा। और वैसे भी नवीन ने घर के सारे काम थोड़ी करने, कुछ और भी तो कर सकती है ना ये। मेरा मतलब है कि एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है अपनी, आगे कुछ पढ़ ले, MBA कर सकती है, जॉब कर सकती है कोई अच्छी। अब जरूरी तो नहीं है कि घर के सारे काम करती रहे हर वक्त। मेरे ऑफिस में जॉब कर सकती है, है ना? भाई मुझे लगता है मैं जॉब नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में जो जॉब करते हैं वो आसमान से उतरते हैं? करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई। मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है उसे जॉब नहीं होगी, इतना मुझसे नहीं होगा। अच्छा फिर एक काम करता हूँ, मैं कल MPhil की सारी डिटेल में तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। बल्कि काम करो तुम, शाम में वो कंप्यूटर कोर्स वो कर लो। मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर के काम इतने होते हैं। अरे घर के मुलाजिम है ना, घर के काम वो कर लेंगे। सारे काम तुमने थोड़ी करने हैं। अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगे, बस MPhil कंप्लीट करो तुम अपना। और हाँ एजुकेशन कंप्लीट करके आजकल की जो कॉन्फिडेंट लड़की है ना वैसी बनो तुम। जब तुम कुछ ही दिन की मेहमान रही गई हो इस घर में तो
जाते जाते एक कप चाय पिला दें। ठीक है लाती हूँ, सबको पीनी है।